हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का K2 में। और आ गए हैं हम आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर चैप्टर 12 सॉल्यूशंस का, जो कि क्लास 12 का आपका चैप्टर है। आज हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट दी सॉल्युबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ये मतलब है कि आपके पास कोई भी सल्यूट किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर मिक्स होता है तो वो प्रिपेयर करता है एक सल्यूशन। सल्यूट एज वेल एज अ सॉल्वेंट, व्हेन दे आर टुगेदर कंबाइंड, सो दे फॉर्म अ सल्यूशन। सॉल्युबिलिटी का ये मतलब होता है कि जो सल्यूट है वो कितने एक्सटेंड तक आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, यानी इट डिफाइंस द एक्सटेंट टू विच अ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, आपने उसके अंदर एक टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दिया है, आपने उसको मिक्स किया है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। अब आपने दो टेबल स्पून और ऐड किया है, तीन ऐड किए हैं, इसी तरीके से यू इंक्रीज अप द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द वाटर, और ऐसे इंक्रीज करते करते ऐसे टाइम तक आप आ गए हैं कि आपने 100 टू 50 स्पून जो ऑफ शुगर जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर में ऐड कर दिए हैं। यानी आप क्या करते जा रहे हैं, आप इंक्रीज करते जा रहे हैं अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द सल्यूशन। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास कोई भी सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट। और उस पॉइंट को, उस कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं एज सैचुरेटेड, और वी कैन से दैट सैचुरेशन पॉइंट। जब कोई भी सल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है किसी भी सॉल्वेंट में, नो मोर सल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो ये सारी जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, दिस वी आर एक्सप्लेनिंग एंड दिस वी आर डिस्कसिंग वेन एवर वी हैव मिक्स्ड अ सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड। दिस इज द कंडीशन वेन एवर यू आर मिक्सिंग एनी सॉल्यूट दैट इज इन द प्रेजेंस, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, एंड यू आर मिक्सिंग इट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ऑल्सो नोन एज द सैचुरेशन पॉइंट, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ये स्टोरी होती है अब हमारी व्हेन एवर वी हैव सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड की। जो वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज व्हेन एवर यू आर मिक्सिंग अ गैशियस सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तब क्या स्टोरी है, तब क्या कहानी है, उसको भी हम डिस्कस करने के लिए आगे चलेंगे अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ एन एप्लीकेशन और दिस इज़ अ पॉइंट दैट वॉज गिवन बाय मिस्टर हेनरी, जिसको हम पढ़ते हैं एज हेनरीज लॉ। सो हेनरी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया है कि गैस को जब आप एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल आप सभी लोग या हम सभी लोग कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक जो है ज़रूर कंज्यूम करते हैं, लेट अस से हम कोका कोला, कोक, मिरिंडा, किसी भी तरीके की हम कोई भी एरेटेड ड्रिंक, एडिटेड ड्रिंक यानी जिसके अंदर कोई ना कोई गैस मिक्स्ड है। तो एडिटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, आपके पास किसी भी तरीके का एक सॉल्वेंट होता है, कोई भी आप उसका ले सकते हैं, और इसके अंदर आप किसी ना किसी गैस को मिक्स कर देते हैं। जैसे ही आप कैप को ओपन करते हैं, आपको कैप ओपन करते ही कुछ फिज, कुछ बबल्स टाइम्स जो हैं आपको वो उस बॉटल से निकलते हुए नज़र आते हैं। तो यही है जो आपका एक्सप्लेन करता है हेनरीज लॉ को। अब
क्वेश्चन ये आता है सभी के मन में कि इस गैस को हमने इस सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट क्या होगा, ये डेफिनेटली हमारा लिक्विड स्टेट का होगा। यानी एक गैस को जब हम एक लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, ये किस तरीके से हुआ होगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने लिक्विड को के ऊपर एक प्रेशर लगाया होगा। लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाने से क्या हुआ है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के पास में आए हैं। पास में आने से क्या हो रहा है, दैट दे आर मेकिंग मोर अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर द गैस टू बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। तो अब जो प्रेशर आपने लगाया, लेट अस से आप प्रेशराइज करें किसी चीज़ को, उस प्रेशर की वजह से यू आर एडिंग सम एक्स्ट्रा गैस इन टू द सोल्यूशन। सो वही चीज़ आपका हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करेगा, क्या दैट इट स्टेट्स दैट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, लेट अस से हम रूम टेम्परेचर पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपने सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए गैस की इन अ लिक्विड आपने एक प्रेशर लगाया है। दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। क्लियर हुआ सभी को? आई एम अगेन रीडिंग द स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution. यानी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगाया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली डिफाइनिंग अस, और इट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ गैस, यानी कितने गैस को आपने मिक्स करा है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी द प्रेशर अप्लाइड इज एक्चुअली नथिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट और द मास और एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच वी यूज टू एक्सप्रेस द नंबर और द अमाउंट। ठीक है, अब ये क्योंकि मैंने आपको जैसे ही स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, हमने उसी तरीके से दिया है कि हमारी जो एडिटेड ड्रिंक्स हैं, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दे आर वाइडली यूज, वाइडली कंज्यूम्ड ड्रिंक्स हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली हमारे डे टू डे लाइफ में हेनरीज लॉ का आता है। एक एप्लीकेशन तो हमारा एडिटेड ड्रिंक्स में हो गया है, अब बाकी सारे एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। बट उससे पहले हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स हैं, वो ये हैं कि हम अपने हेनरीज लॉ को मैथमेटिकली अगर डिफाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस इन दी टर्म्स ऑफ मैथ्स, यानी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ लॉ के हिसाब से चलना चाहेंगे, तो हाउ विल वी डिफाइन दैट। सो लेट अस फर्स्ट क्विकली सी दैट, जो कि कुछ नहीं है, दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट वी हैव गिवन फॉर द हेनरीज लॉ। सो इन द स्टेटमेंट वॉट वी हैव सेड दैट द प्रेशर दैट इज अप्लाइड, दैट इज पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। Now solubility is explaining us the amount of solute in the solution. तो solubility के लिए यहाँ पर हम एक term use करते हैं which is called as the mole fraction. This will define us the amount of solute. Proportionality का sign जैसे ही remove होता है, we will have a constant which is called as the Henry's constant. तो ये हमारा बन जाता है mathematical expression for the Henry's law students. ठीक है, तो वही आपको यहाँ लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ ओवर हियर द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइनिंग एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशन के टूवर्ड्स, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशन, आप डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं देखते ज़रूर हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो बिल्कुल हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या, जब हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं या जब हम कोई ना कोई एडिटेड ड्रिंक बना रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसा आपको दिख रहा है, जैसे आप बॉटल का कैन ओपन करते हैं, यू सी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ फिज और यू सी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ बबल्स विच आर एक्चुअली एन इंडिकेशन कि हमारे इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर किसी ना किसी तरीके की गैस को मिक्स किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट ये आता है कि ये जो गैस हम बार बार कह रहे हैं, गैस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ फिज दैट एस्केप्स आउट एज वी ओपन द बॉटल और वी कैन से दैट वी ओपन द कैन।
कैन मीन्स सिलेंडर की कैन. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम बार बार कह रहे हैं गैस, गैस डिजॉल्व है लिक्विड में, हेनरीज लॉ भी यही कह रहा है. बट दिस वॉट इज एक्चुअली दिस गैस, द गैस विच इज प्रेजेंट इज अ द गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जितने भी एडिटेड ड्रिंक्स हैं हमारे, उन सभी में मोस्टली, आई एम नॉट गिविंग अ हार्ड एंड फास्ट फैक्ट ओवर हियर, मोस्टली चाहे आप जितनी भी ड्रिंक्स यूज करते हैं, अपने आप मिरिंडा ले लीजिए, फैंटा, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, ऑल दीज आर हैव कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड इन देम. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एवरीवन, व्हाई एवरीवन सजेस्ट यू, और कोई भी क्यों आपको कहता है हेल्दी डाइट लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, उसका यही रीज़न है. बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल ऑफ अस नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रही है. अब आप किसी एक ऐसी गैस को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी से रिलीज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इट विल हैव सीवियर इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. डेफिनेटली एक दो बार कंज्यूम करने में या आप महीने में एक दो बार ले रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नॉट मेक अ हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग दी कोल्ड ड्रिंक्स. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग. इमेज की तरफ देखते हैं और फिर समझते हैं. इमेज क्या कह रही है कि कोई एक एक्स पर्सन है जो सरफेस से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऑब्वियसली ही इज डूइंग, ही इज कमिंग टूवर्ड्स द वाटर बेड. वो वाटर डाइविंग जो है उस तरीके से कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, कुछ भी आपकी वाटर एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है. अब सरफेस से वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, आपके वाटर लेवल तक जा रहा है. अब जाहिर सी बात है, जैसे ही वो वाटर लेवल की तरफ आएगा, उसके बॉडी के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा. यस नो, यानी नीचे आते आते वो क्या देख रहा है, दैट द प्रेशर इज इंक्रीजिंग. यानी उसकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों कहा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो गैस इवॉल्व है या जो गैस प्रेजेंट है वो एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन है. तो प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो O2 का अमाउंट है वो हमारा इंक्रीज होता रहेगा, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी. हेनरी ने यही कहा है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस बढ़ जाएगी. मेरी बॉडी के अंदर जो गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. अब पॉइंट क्या होगा कि जब वापस से द एक्स पर्सन और वाई पर्सन विल कम टूवर्ड्स द सरफेस, सरफेस पे जब वो आएगा, पहले वो नीचे गया, प्रेशर बढ़ा, मास बढ़ा, अब वो जब वापस से सरफेस की तरफ आएगा तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होने लगेगा, आपका डिक्रीज होने लगेगा. इसीलिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी क्या होगा, हमारी बॉडी में कम होने लग जाएगा. अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो हमारा रिलीज होने लगेगा टू इक्वलाइज द प्रेशर. अब हमारी बॉडी अगर उस ऑक्सीजन को, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करा पाती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी हैव बेंड फॉर्मेशन इन द ब्लड. क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना है. दो चीज़ें हैं यहाँ पर समझिएगा, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी जब टुवर्ड्स द वाटर लेवल जा रहा है कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. द अपवर्ड एरो इंडिकेट्स द इंक्रीज. नाउ वेन एवर द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस, सो द प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड हेंस द ऑक्सीजन विल डिक्रीज. नाउ व्हेन एवर आई से ऑक्सीजन डिक्रीज होने का मतलब है, तो वो जो एक्स्ट्रा थी वो आपकी बॉडी से रिलीज होना चाहेगी, और रिलीज होते होते वो क्या फॉर्म कर सकती है हमारी बॉडी में, वो फॉर्म कर सकती है बेंच. बेंच का मतलब है, जैसे आप समझिए इस चीज़ को, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक वाटर पाइप डाला हुआ है, अगर आप इस वाटर पाइप के ऊपर यहाँ पर एक प्रेशर से इसको रोक देते हैं, तो क्या होगा, आपका जो पीछे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा इस तरीके से बल्ज आउट हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर लगाने की वजह से पीछे से वो बल्ज आउट है. सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे वेन्स के अंदर भी इसी तरीके से बेंड फॉर्मेशन की कंडीशन आ जाती है. ठीक है, इसी को अवॉइड करने के लिए आपका जो भी आप डाइविंग करते समय जिस भी ऑक्सीजन सिलेंडर को आप कैरी करते हैं, उसको डाइल्यूट करा जाता है विद द इनर्ट गैसेस to prevent bent formation
First of all, oxygen cylinder should be carried. And second thing, they are diluted with inert gas. To prevent the bend formation, oxygen cylinders should be diluted with inert gases. Now, whenever I say inert gases means helium, neon, nitrogen, all these. Okay, अब इससे होगा क्या कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होना है. अब ऑक्सीजन सिलेंडर से वो ऑक्सीजन का अमाउंट रेगुलरली बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है सो दैट द बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द बॉडी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी ईजी. जब भी हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, ओके, द थर्ड एप्लीकेशन इज फॉर द माउंटेन रीजन्स. तो माउंटेन्स की तरफ जब भी हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि वहाँ पर आपके पास, तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, काफ़ी लो है. ठीक है. अब पार्शियल प्रेशर मीन्स प्रेशर कम है. एट हाई ऑल्टीट्यूड वी कैन क्लियरली सी दैट प्रेशर इज लो. बॉडी के अंदर प्रेशर, बॉडी प्रेशर कम होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होगा. तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो अनईजी फील करती है. प्रेशर हेनरीज लॉ के हिसाब से क्योंकि प्रेशर कम है तो बॉडी में ऑक्सीजन भी कम होगा. अब हमारी बॉडी अनईजी फील करती है, हमारी बॉडी में वी हैव अ कंडीशन दैट इज अनोक्सिया. अनोक्सिया इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल. ठीक है. इस अनोक्सिया को अवॉइड करने के लिए अगेन इट इज़ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव ऑक्सीजन सिलेंडर और वी और एनी वन हु इज़ हैविंग एनी ब्रीदिंग डिसऑर्डर और आई वुड से हु इज़ हैविंग अस्थमा और एनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुड इज एडवाइज एक्चुअली टू नॉट मूव टूवर्ड्स द हायर ऑल्टीट्यूड्स. ठीक है. क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स की तरफ आप जैसे जैसे जाते रहते हैं तो आपका प्रेशर जो है वो कम होता रहता है. प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी आपकी कम है. तो ये थी हमारी तीन एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीनों ही हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में डेफिनेटली इंक्लूडेड हैं. अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को कुछ कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आती है स्टूडेंट्स को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करते चलिएगा सो दैट आई कैन गेट व्हाट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंड व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑफ डाउट्स. सो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का हेनरीज लॉ अच्छे से समझ आया होगा. एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक विद द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. थैंक यू.